गरबा खेले आओ।
सबके दुखों को तुम हर नारी, हे आशीष तुम बरसाओ। गरबा खेले आओ हम सब, गरबा खेले आओ, गरबा खेले आओ हम सब, गरबा खेले आओ। चल सरदार ने बुलाए, ज्यादा सांड पट्टी नहीं समझी ना, वहीं पे खड़ी रहे। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ बचाओ मुझे। माँ जगदम्बा मुझे शक्ति दो। हे घोड़े पे सवारी, त्रिशूल धारी रणधारी, घोरल चढ़े सवारी, देखो गोरल चढ़ी सवारी। घोड़े पे हो कर सवारी, गोरल चली अबला बचाने, गोरल बनी प्रबल, देखो आज अबला को बचाने, देखो अबला को बचाने। कहाँ गई होगी मेरी बेटी, क्या हुआ होगा उसके साथ? धीरज रखो मानसिंह काका, गोरल गई है, भवानी माँ जरूर सहायता करेगी। गोरल आ गई, देखो गोरल आ गई।
गोरल आ गई, देखो गोरल गोरल आ गई। क्या ये गोरल आ गई, गोरल आ गई, गोरल आई, गोरल आई, हाथ में त्रिशूल लेके रण चंडी आई, दुश्मन को मार के आई। सुन लो सारे गांव वालों, अपनी झांसी की रानी आई, गोरल आई, गोरल आई, गोरल आई। बापू, आज अगर गोरल नहीं आती तो आप मुझे जिंदा नहीं देख पाते। गोरल, तुमने मेरी इज्जत बचाई, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे ना ना बहन, तू तो मेरी सहेली है। इससे तो तू मर गई होती तो अच्छा था। अब जब तक मैं जीऊंगा, ये गोरल का बाप कहेगा कि तेरी बेटी की जान मेरी गोरल ने बचाई थी। अब चल यहाँ से, चल। बापू, अरे जिसको मिट्टी की गम नहीं वो पानी को भूल जाए, ये सांगा कवि सच्ची बोलता, ऐसे लोग जरूर मिट्टी में मिल जाए। गोरल, बापू, गोरल, आज तूने शेर के मुंह से शिकार छीन लिया है। इस अपमान का बदला अगर मैं ना लूं तो मेरा नाम भी विक्रम सिंह नहीं। ले सकते हैं बाबू, पतला ले सकते हैं। अरे बापू, ये पूरे गांव में आप जो रोप जमा रहे हो ना, उससे अच्छे अपना ही काम पकड़ के बैठे रहो ना। अपना कालू भाई वो नशेड़ी, हाँ, वो पूरा दिन खंटिया पकड़ के सोते रहता है और पूरा दिन मुटकी खाते रहता है, वो कब काम में आएगा। ये गोरल उसकी भतीजी होती है, ये काम सौंप दो उसे, एक तीर से दो निशाने, सांप भी मर जाएगा और लकड़ी भी नहीं टूटेगी। ये नहीं मानेगा ले। काले भाई, बात समझ गए ना? हाँ समझ गया, पूरी तरह समझ गया। अपने बापू का काम आज होना चाहिए। बस अभी काम पक्का। बेटी गोरल, तू मेरी बेटी नहीं पर बेटा है बेटा। आज तूने गांव की बेटी की इज्जत बचाई, ये सुनकर मेरी छाती गदगद हो गई है। बापू, कितना भी उजाला हो लेकिन रात तो रात ही होती है ना, और स्त्री तो अबला ही होती है ना। बेटी, जब तू शादी करके अपने ससुराल जाएगी ना, तब मैं इस घर को पहिए लगा के इसे गोने के साथ भेजूंगा। उसके बाद भले मेरी आंखें बंद हो जाए। नहीं बापू, ऐसा मत बोलो। बेटी, मैं कोई गलत कह रहा हूँ? इस घर की माल मिलकत पर तेरा ही अधिकार है, और तेरे जाने के बाद ये मेरे किस काम के? इसलिए तो मैं हमेशा अपने दिल में यही सोचता रहता हूँ कि भगवान मुझे वो दिन कब दिखाए। अरे दिखाएगा, अरे आज का दिन तुझे दिख गया समझ। अरे आओ भाई आओ। बड़े भाई, हाँ, ये अपनी बेटी, रूप गुण गांव में इसका कोई जोड़ नहीं है। काका ऐसे क्या बोल रहे हो? सच्ची कहता हूँ बेटा, झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। और बड़े भाई, आज तो आप खुश खुशहाल हो जाओगे, ऐसी बात लेके आया हूँ। क्या खबर लाए हो भाई? ये गोरल के लिए बड़े घर का रिश्ता लेके आया हूँ। किसके घर से? अरे घर का नहीं, बड़ी हवेली, सुख साहेबी, अरे पूरी बिरादरी में जिसका बड़ा नाम, वही विक्रम सिंह का रिश्ता लेके आया हूँ। विक्रम सिंह, आज तो तुमने उसका नाम अपनी जबान से लिया है, आज के बाद मैं उसका नाम सुनना नहीं चाहता। अरे पर बड़े भाई, तुम मेरी बात तो सुनो। हमें कुछ नहीं सुनना है। विक्रम सिंह कैसा आदमी है ये पूरा गांव जानता है। उस पापी को कह देना कि वो मेरे सपने देखना छोड़ दे। मतलब मैं रिश्ता लेके आया, अब ना सुन के वापस जाऊ? हाँ, और अपने मुँह से ये विक्रम सिंह को सुना देना। बड़े भैया, ये मेरा अपमान है। अरे तुम अपमान जैसी बात ही लेकर आए हो तो और क्या हो सकता है। ठीक है ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर जाते जाते बोलते जा रहा हूँ कि आज से तुम्हारे घर का पानी भी मेरे लिए हराम है। अरे वो जाने दो बड़े बापू, मेरे बापू को जाने दो। जो जाते हैं ना उसको रोकते नहीं, जाने देते। और अब आपके घर का पानी नहीं पिएगा ना, मटके का पानी हराम किया है ना, तो कोई बात नहीं, अभी से वो गटर का पानी पिएगा। तू चुप बैठे पागल, देख अगर मेरा दिमाग घुमाना तो पूरे गांव को उखाड़ के फेंक दूंगा। हाँ, अरे आप क्या फेंकोगे, ये गोरल शादी करेगी दूसरी जगह पे और पूरा गांव देखेगा। ए बापू, गुस्से में लाल हो मत, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, गांव को उखाड़ देगा। डरना मत तू बहना, मैं हनुमान बनूंगा तेरे लिए और शादी कराऊंगा तेरी अपने चहेते हीरो से। नहीं नहीं, हाँ? मजाक है। मना कर दिया? हाँ, जिसके ना बोला बापू। कालू भाई, ये विक्रम सिंह जब तक जिंदा है तब तक उसके घर पे और कोई दामाद आ नहीं सकता, समझे? तो मैं उसको जिंदा चीर दूंगा और सगाई के नारियल को उसके सामने होली में डाल दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि वो किसके साथ शादी करती है। चल हीरा मोती चल।
बिरबल मदद करने चले। चल हीरा चल। तो चल। ए लड़की कुछ मदद करो। अनजान लग रहे हो, वरना ऐसे खड़े नहीं रहते। अरे इसमें जाने अनजाने की बात कहाँ से आ गई? ये तो कोई मुश्किल में हो तो मदद ना करें। चूड़िया और बिंदी देखी, इसीलिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हो ना? चलते फिरो वरना मदद महंगी पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि अब तक अच्छे आदमी से कोई पाला नहीं पड़ा। पुरुष की जात तो सब एक जैसी ही होती है। मतलब कुछ अनुभव हुआ है? वैसे जहर का भी कोई परख होती है क्या? परखे बिना तो कैसे कह सकते हैं? बातें करना छोड़ो और चलते फिरो। आप जैसे के लोगों को बहुत देखा है मैंने। रहने दो, अकेले हाथ से पहिया नहीं निकलेगा। अभी चुपचाप जाओ वरना देख लेना। ठीक है जाता हूँ, जरूर पड़े तो याद करना। हीरा मोती चल। बहुत घमंडी है, पहिया निकलवा दो, ऐसा नहीं कहेगी। ओ, अब तो जाना ही पड़ेगा। बिन बुलाए आ जाते हैं, उससे अभी क्या कहना। बैलगाड़ी चलाना तो मर्दों का काम है, इन नाजुक हाथों से तो घर पे जाके रोटियां बनाओ रोटियां। अरे वाह। ये मेरा घोड़ा हिलता नहीं है जरा सा भी और हिनहिनाता है ज्यादा। घोड़ा राम आपने पायल पहनी है? पायल तो नहीं है। अरे ये पायल तो, ओहो आ गई मेरी महारानी, लटक मटक के चलती है मेरी रानी। ये कसम खा के मुंह को टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करते चलती हो क्यों येड़ा पेड़ा? ये कुछ मुंह से बोलो तो सही, मुझे तुम्हारे तरबूज जैसे दांत के बीज देखने। दांत देखने हैं लो। ऐसे नहीं, ये तो चूहे के बिल के जैसा दिख रहा है। ये तुम्हारे पेट का हांडा जैसे पूनम का चंदा और तुम्हारे गाल में पड़ता है गड्ढा। सुनो ओ शशुंदरी, तुम्हें देख के मेरा दिल करता धड़क धड़क धड़क। तुम्हारे दिल को अकेले अकेले हिलाते बैठो। अकेले हिलाऊ उसमें क्या मजा आएगा, ये तू मुझसे शादी कर ले तो दिल को ठंडक पड़ जाए। सांगा अगर उस माची को शादी कर रही है ना, जो मर्द होंगे ना वो घोड़ दौड़ करने वाले हैं। क्या दौड़ना है? घोड़ दौड़ करने वाले हैं। घोड़ा। जब ये घोड़ दौड़ होगी ना तो सबसे आगे निकलकर तुम बाजी जीत जाना और उसी घोड़े में से दूल्हे का घोड़ा निकाल के मुझसे शादी करने आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। हाँ ले, ये तो आना बोल के चली गई और दिल मेरा गई तोड़ के। राम पूरी तरह से फंस गया, अब राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। अरे ले लो काली मुसली सफेद मुसली शिलाजी तो ये संजीवनी भी ले लो। ए भाई आप किस किस मर्ज की दवा रखते हो? आपको क्या रोग हुआ है? अरे भाई मैं तो घोड़े जैसा हूँ, पर ये मेरा घोड़ा है ना एकदम मकड़ी जैसा है, उसको खाने को ज्यादा चाहिए और काम कुछ नहीं करना है। इसको ये काली दवा पीली दवा लाल दवा हरी दवा ये सब खिला सकते हैं क्या? अरे ये तो इंसानों की दवा है। अरे भाई साहब तो फिर कुछ घोड़े की दवा बताओ ना, तुम बोलोगे उतना पैसा दूंगा। तो देता हूँ घोड़े की दवा। हाँ क्या बीमारी है भाई? ऐसा है कि मर्द जैसा मर्द है पर थोड़ा सा चलता नहीं है, और आज ये अपने गाँव में घोड़े की दौड़, और अभी इस घोड़े दौड़ी में वो जीत जाए तो पहले ही मेरी शादी का जोक बन जाए। अरे तो ऐसा बोलो ना, बोलो एक घंटे में कितनी तेज दौड़ने वाली दवा दूं? बस ये घोड़ा दौड़ जीत जाए ऐसी नई नई तरीके की दवा दो, मुझे ऐसा लगे कि पीछे रह गया है तो फट से उसे दवा खिला दूंगा और आगे भगा दूंगा। वापस ऐसा लगे कि फट से उसे दवा खिला दूंगा और आगे भगा दूंगा, ऐसी दवा दो। हाँ। एकदम अनोखी दवा। ऐसा ये लो पुड़िया। शाबाश मेरे दोस्त, तुम सबसे आगे भागना। हाँ गांव वालों, आज के त्योहार निमित्त
आज एक घुड़सवारी की प्रतियोगिता रखी हुई है। अपने गांव में से जो घुड़सवार ये ध्वजा लेकर सामने वाले गांव में सबसे पहले पहुंचेगा, उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो घुड़सवारों तैयार हो जाओ। ये तो कहां तक पहुंच गए? ओह, कितनी दूर चले गए? रुक रुक, अभी तुझे 30 गांव वाली दवा खिलाता हूँ और ये खाके तुझे एकदम जोश आ जाएगा और तू पहले नंबर का घोड़ा बन जाएगा। और इससे भी अगर तेरी शक्ति नहीं आई तो उससे भी ज्यादा 60 गांव वाली दवा खिलाऊंगा तुझे, लेकिन आज तुझे जिताऊंगा जरूर। चल अभी भाग और रख मेरी साथ। तेरी जात का बैदा मारू साले, मुझे अकेला छोड़ के तू आगे भाग गया। 30 गांव वाली गोली खिलाई है इसलिए, पर अभी तुझे पता नहीं है मेरे पास 40 की, 50 की और 60 की गोलियां भी पड़ी है, और इसमें से अगर एक गोली भी मैं खाऊंगा ना तो घोड़े में पहले जीत जाऊंगा। और फिर तू देखते रहना, अब तू जा जाके कहां तक भागेगा देख, मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। We'll be right back.
मेरी कमर टूट गई। अरे ओ जवान, थोड़ा यहाँ पे आ जा, मुझे उठा ले भाई, मेरी कमर दुख गई, कमर टूट गई। मुझे ये खड्डे में से उठा ले भाई, मेरी हालत खराब हो गई। आहा आहा आहा, आय आय आय, मर गया मेरी कमर। आहा अरे चलने को नहीं हो रहा है। अरे मर गया। वाह घोड़ा वाह, वाह घोड़ा तेरा रूप। आहा वाह वाह, ये तेरी तारीफ करूँ या तेरी सवारी की तारीफ करूँ के ये सवार के हाथ की तारीफ करूँ? हाँ ऐसा होता है कि ये दो हथेली भर के गुलाल उड़ा दूँ। अभी रुको, पहले नजर ना लग जाए ना, इसलिए काजल का पहले टीका कर दूँ। पर अभी काजल लाओ कहाँ से? अरे रुक जा, ओ काजल की डिब्बी, काजल वाली। अरे ओ रुक जा, काली कस्तूरी की ढोलकी। अरे जाने दे पगले, अगर मैं खड़ी रहूंगी ना तो मेरे पैर में पसीने छूटेंगे। अरे उतरने दे पसीने को, उसमें रुई को डुबो के अपने घोड़े के कान में डालूंगा ताकि उसको और मुझे दोनों को शक्ति आए। अरे ये तेरी नागिन जैसी चोटी और ये बलखाती चाल और कमर से मारती हुई ठुमके, ये पूरा इसमें फंस गया। अब इसमें मेरी क्या लगी वाट? रहने दे पगले, ऐसे मर्द जैसे मर्द होके हाथ में तलवार के बदले कलम लेके कविता करने निकल पड़े? अरे पागल, ये कलम से तो मैंने कितनी सुंदरियों की शायरी लिख दी है। एक बार एक जन से उसकी तारीफ की तो वो तारीफ को लेके जंगल में चला गया। दूसरी बार सोन बाई से उसकी तारीफ की, सोन कुवारी की कुवारी मर गई। तीसरी बार और एक लड़की के पास में तारीफ करने गया तो उसने चप्पल निकाल के मुझे मारने को दौड़ी। अरे कहाँ गई हो? ओहो, चली गई। अरे अरे ये तेरा गहने जैसा बदन और नाक में नथनी, ये हाथ में ताली दे के चली गई, ये मेरे कर्म की कठिनी। अरे सुनो तो, तुम्हारे गांव का रास्ता तो दिखाओ। रास्ता अगर मालूम हो तो कभी मेहमान तो बने। सुजानगढ़ में आपके कोई रिश्तेदार है क्या? रिश्तेदार तो नहीं, पर बना तो सकते हैं। अगर उनको कोई संदेश देना हो तो आप मुझे बताइए, मैं बता दूंगी। अरे रे रे रे, इतने कठोर हैं कि उन्हें संदेशा भी क्या दे, जरा सी पहचान भी नहीं रखते। ओहो इतने बेरहम हैं, ऐसे को तो छोड़ ही देना चाहिए। मन में इतने बस गए हैं कि मोह माया छोड़ भी नहीं सकते। तो चलो सुजानगढ़ एक दिन के लिए, उनकी मेहमान नवाजी देख लो। साथ चलेंगे आप? साथ तो चलो, लेकिन अकेले समझकर फायदा तो नहीं उठाओगे ना। वो तो जैसा समय, समय पे किसका काबू है? काबू में नहीं रहा तो फिर क्या होता है? दिल से दिल मिल जाते हैं। छोड़ दो, बहुत नाजुक बदन है मेरा। गोरल, इस गोरे बदन को कब तक संभाल के रखोगी? अरे एक दिन तो चलो हटो। अरे रुक तो जाओ, दिल में बसने के बाद दूर नहीं रह सकते। कहीं कोई देख ना ले। कल मिलना कमन तालाब के पास बरगद के नीचे। क्या लिखू क्या लिखू? अरे कोई बहरो कोई अंधो, ये बीवी के बगैर मैं कुछ लिख नहीं पाता हूँ। कोई तो आओ। आ गई मेरी रानी, मेरी चप्पक चलो, आ गई मेरी पटरानी। आहा ये तो भरी जवानी आई, जंगल में रूप सुहानी आई। आहा स्वर्ग लोक की सुंदरी, आहा पाताल लोक की पाताल देवी, और ये मध्य लोक की मानोनी। अरे ये तू लटका करती चलता, कहां मैं तुझे भरूं पटका और कैसे मैं भरूं तेरा मटका? अरे मूर्ख कहीं के, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ ना। अरे पर इसमें माँ की बात कहाँ आई, ये तो कविता की बात है, कविता की बात कर रहा था मैं। अरे ये मूर्ख कहीं का मेरी छेड़खानी कर रहा है। अरे छेड़खानी नहीं, मैं तो कविता की बात कर रहा हूँ। अरे मर गया। अरे बाजू हटो, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, मेरे कवि के ऊपर अगर हाथ उठा ना तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी।
चलो जाओ यहाँ से। तो बिठा तेरे घर में। हाँ हाँ रख लूंगी, चलो। बढ़िया है हाथ चलाने, चलो सांगा, चलो चलो मेरे घर। अमर कौन? विक्रम सिंह। किसका इंतजार कर रही हो गोरल? इंतजार तो प्रियतम का ही होता है, तुझे पता है ना कि नागिन की पूछ पर पैर नहीं रखते। चले जा विक्रम सिंह, तुझ जैसे कायर को मारने में मुझे मौत नहीं आएगी। मौत तो मुझे आएगी गोरल, तुमने मेरे सगाई के प्रस्ताव को ठुकराया है, आज उसका परिणाम भी देख लो। विक्रम सिंह हर्राम खोर, गोरल को छोड़, मेरे और गोरल के बीच आने की हिम्मत मत करना अमर, मेरे जीते जी तेरी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। विक्रम उठ, उठ। हर्राम खोर, मार। ले। उठ साले बदमाश, उठ चल। ले। उठ। ले। चल उठ। हो जा। चल उठ। उठ। चलो चलो। सुनो, तुमने विक्रम सिंह से बैर किया है, काले नाग को जगाया है, उसका डंक तुम दोनों का जीना हराम ना कर दे तो मेरा भी नाम नहीं। जा जा अमर। कितनी देर कर दी, मैं तो इंतजार कर करके थक गई। वादा तो नहीं भूल गए थे ना? वादा तो याद था, मगर रास्ते में थोड़ी देर हो गई। हाँ, रास्ते में कोई और मिल गई होगी। मिल जाए तो मुंह थोड़े ही बिगाड़ते हैं। सारे पुरुष एक ही होते हैं, पायल की झनकार सुनकर झूमने लगते हैं। अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। आप घर चलते हैं, मेरा तो ठीक, पर आप घर पे देर से जाओगी तो आपके पिताजी को तकलीफ होगी, कल मिलते हैं। ये तो चलते बने। अरे गोरल, ये क्या हुआ? क्या हुआ गोरल? अब मेरी अंगूठी पानी में गिर गई। पानी में? जरा ढूंढ के दो ना। हाँ मैं ढूंढता हूँ। कहाँ गिरा? अरे अरे झूठ बोलती हो, ले ये ले ये ले ये ले। अम्मा साथ को नहीं छोड़ोगे ना? नहीं नहीं, जन्म जन्म का साथ है हमारा। ओए खानदान के धनी, जुआन लड़की के बाप जाग रहा है कि सो रहा है? कौन है भाई? हाँ इतना चिल्ला के बात क्यों कर रहे हो? आज तो मैं अकेला बुमा बुम कर रहा हूँ, आने वाले कल में पूरा गांव बुमा बुम करेगा। कोई नशा करके तो नहीं आए हो? अरे नशा तो तुम्हें चढ़ा है, तुम्हारे पैसे का, तुम्हारे अहम का, इसलिए तो मुझे अपमान करके इस घर से निकाल दिया था उस दिन, और आज तुम्हारी लड़की को निकाल देने का अवसर आया है। कालू भाई चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, खाली पीली गांव सुन लेगा और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। ये तो रिश्ते के नाते मैं तुमसे कहने आया हूँ, ये गोरल गांव की इज्जत उतारने बैठी है, इसके लिए तुमको बोलने आया। कालू भाई, गोरल के लिए अपने मुंह से एक और भी शब्द बोला है तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। हाँ जबान खींचनी हो तो मेरी नहीं, ये कुल की मर्यादा दुबाने बैठी है और पराए गाँव के लड़कों के साथ में रंगरंगलियां मना रही है, तुम्हारी लड़की को संभालो। हाँ मेरी गोरल किसी के प्रेम में? क्या बात कर रहे हो कालू भाई? बाप उड़ाए हुक्का और बेटी उड़ाए इज्जत का धुआं, अरे मेरा दिमाग घुमा तो पूरे गांव को उखाड़ के फेंक दूंगा। देखना संभाल के रखना मेरे दिल को, कहीं खो ना जाए। दिल तो नहीं खोएगा, मगर दिल में बसने वाला खो जाए तो? अब तो ये जीवन भर नहीं खोएगा। गोरल, बाप के सर पे पांव रखकर अपनी इज्जत को नीलाम करने वाली बेटी, मुझे मालूम नहीं था तुम इतना गिर सकती हो।
नहीं तो तुझे लाड प्यार करने से बदले जमीन में गाड़ देता जमीन में। बापू, नाक तो उसका कटता है जिसकी बेटी एक को हाथ दे और दूसरे को दिल। शर्म के मारे मर जा, अपने बाप के सामने क्या कह रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे शादी करनी है तो इस रास्ते पे चलने वाले से। कह दो तुम अपने पिता से कि मेरी गर्दन काट ले मगर मुझे ऐसी, पर सरेआम उनके कड़वे शब्द मेरा सीना चीर देते हैं। बापू, अपराध मैंने किया है, प्यार करना अगर पाप है तो मैं मेरे हाथ से कटार अपने पेट में डाल के जान दे दूंगी। गोरल, जिनकी बेटी इतनी गुणवान हो उसके बाप का दिल तो सागर जैसे विशाल होगा। भूल जाना कि कभी हम मिले थे, बस एक सपना आया और टूट गया। अब ये मुमकिन नहीं है। अब गोरल तुम्हारे पैर की धूल से मांग भर के यहीं पे जल समाधि। बेटी गोरल, ये बाप तेरे सामने हार गया, तुम्हारे प्रेम के सामने मेरा सर झुक गया। बापू जवान, बापू मेरे कड़वे शब्दों को उदार हृदय रख के भूल जाना और जल्दी से सगाई की तैयारी करो। बापू की बात मेरे मन में रह गई, दिल जैसे हुए टुकड़े हजार। आओ आओ मिलके खेलें गरबा त्योहार, आओ आओ मिलके खेलें गरबा त्योहार। आओ आओ मिलके खेलें गरबा त्योहार,
आओ आओ मिलके खेले गरबा त्योहार। तभी तो नीचे था और जैसे जैसे ये कविता लिखते गया वैसे वैसे ऊपर चढ़ते गया। और ये सांगा की पटरानी, ये तू मुझे कविता लिखता हुआ छोड़ के मेले में जाके किसके साथ रंगरलिया मना के आई? लो, मेले में इंसानों की क्या कमी थी, मेरा दिल जिस पे आया उसके साथ रासलीला करके आई। क्या बात कर रही है, तू मेरे बदले किसी और के साथ मेले में जाके रास खेल के आई? मर जाओ, ये मर जाओ कलम को सीने में घुसा के अपने आप। जल्दी करो ना। ओ माँ, अरे क्या हुआ? अरे उठ मेरी रानी, क्या घुस गया? कहाँ लगेगा मेरे पगले? भाई कांटे लगने के बहुत ठिकाने हैं, देख पाऊ मैं? अरे रहने दे पगले, यहाँ मेरी जान जा रही, पहले कांटा तो निकाल। तो पेड़ लंबा कर। लंबा करूँगी तो दर्द होता है। फिर ऊंचा कर। ऊंचा करूंगी तो ज्यादा दुखता है। अरे फिर तो कांटा निकल जाएगा ना, तो दर्द कम हो जाएगा और दिल को ठंडक मिल जाएगी। आला आला, आहा, मैं ऊंचा करके देता हूँ। ओहो हो, ये तो बहुत अंदर घुस गया है। धीरे धीरे। अरे खींचने दे, निकलने दे, थोड़ा ढीला कर। इतना बड़ा कांटा अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ मैं तो बोलता ही था कि निकल जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। सांगा, उसे चला नहीं जाएगा। क्यों? मुझे ऊंट बनकर सवारी कर लो ना। अरे सुनने वालों सुन लेना और देखने वालों थोड़ा देख लेना, प्यार में पड़ना मत। जो प्यार में गिरोगे ना तो मर्द में से दर्द बन जाओगे और बीवी का गुलाम होना पड़ेगा। ले हाथ बैठ जा। हाँ हाँ, ले पकड़,
बैठ जा मेरे कंधे पे और चढ़ जा मेरे ऊपर, ये दम लगा के हैसा। माँ माँ अरे 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 तुम तो कैसे हो, इतने बड़े हो गए हो फिर भी माँ 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 करते ही रहते हो। माँ तुझे ताने मारने वालों से कह देना कि तेरे अमर के लिए राजगढ़ की लड़की का शादी के लिए प्रस्ताव आया है। हाँ, सच कह रहे हो? हाँ। मुझे बताओ तो कौन लड़की है? जीव सिंह ठाकुर की। जीवा ठाकुर की गोरल? हाँ माँ, जब वो शादी करके घर में पाँव रखेगी तो पूरा गांव देखता रह जाएगा। धन्य हो मेरे बेटे की, धन्य हो मेरे लाल की। अरे विक्रम सिंह बापू अभी मेरे घर पे। कालू भाई, गोरल शादी करके चली जाएगी और मैं देखता रह जाऊंगा। आप छल कपट का सहारा लेकर कोई ऐसी चाल चलो कि जिससे बाजी अपने हाथ में आ जाए। बाजी तो हमने मार ली है बापू। हाँ? पर मैं कालू भा ये गोरल और अमर के शादी में विघ्न ना करूं तो मेरे सिर पे मटकी फोड़ना है। नशेड़ी, देखना कहीं मार खाने की बारी अपनी ना आ जाए। नहीं होगा बापू, बिल्कुल नहीं होगा। ये जो बोल रहा हूँ कोई नींद में नहीं बोल रहा हूँ, देख लेना ये कालू भाई का कमाल। शाबाश। आओ आओ जमुना माँ, शादी की तैयारी हो गई? हाँ शेठ, शादी तो तय हो गई, पर पैसों के बगैर मेरे अमर की बारात कैसे निकलेगी? हाँ, पैसे की तकलीफ तो होती है। शेठ, हमारे घर की इज्जत आपके हाथ में है, जरा आप इस किताब में देख के हिसाब बता दो ना तो मेरे अमर की शादी में अच्छे से कर देता हूँ। अभी देता हूँ, पर जमुना माँ अपने बेटे से भी कीमती इतनी रकम मैं तुम्हें कैसे दूँ? अपना खेत तो तुमने पहले से ही गिरवी रख दिया है, कोई सोना चांदी लाए हो? ये सोना चांदी तो हमारे गरीब के घर में कहाँ से होगा सेठ, पर आप अगर मुझे थोड़ा सा उधार देंगे तो मेरे अमर की बारात निकल जाएगी। ऐसा कीजिए आप हमारी दीवारें गिरवी रख लो। तुम्हारे घर की दीवारों को क्या चबाऊं? सेठ हाँ, एक शर्त पे देता हूँ, अमर जब शादी करके वापस आ जाए तब बहू के गहने बेचकर मेरा कर्जा चुका देना। सेठ बोलो है कबूल? कबूल है सेठ, लिख लो खाते में। हम जैसे गरीबों की बहू को गहनों की क्या जरूरत। हाँ ये सही बात है, शरीर पे सोना अच्छा नहीं लगता। ए चलो शादी में आज सब सुंदरियों को देखने जाए, ये मन पसंद की शकल देख लगन मंडप में मन ही मन मुस्काए। ए लगन वाली, ये तेरा बाप बैठा रहे और तू गोरल की शादी में जाएगा? हट रे, कल मुए तू मेरा बेटा नहीं। भाई मुझे भी यही अफसोस हो रहा है कि कहाँ मैं आपका बेटा बना। मुझे ये पता हो कि आप मेरे पिताजी हो तो मैं कब का तुमको लात मार के चला गया होता। इससे तो अच्छा किसी भिखारी के घर में जन्म लेता। मैं प्रहलाद और तुम हिरण्यकश्यप, ये बाप मिला कैसा? मैं हंस और ये मेरा बाप कौवा। ये मेरा बाप ऐसा मेरी सगी बहन की शादी रुकवा दे वैसा। ए शादी में जाने वाला? हाँ। ये तू शादी में गया तो देख लेना तेरा मुंह घुमा दूंगा। अरे उससे पहले तो मैं आपको पूरा ये ऐसा घुमा दूंगा। जाता हूँ बहन की शादी में, अब आड़े मत आना। आज हवा का रुख अलग है, आज मेरे बीच में आओगे तो खुद ही उड़ जाओगे। अब यही खड़े रहो देखते। बले बापू, बले बापू। कौन? संगा तू? हाँ। आ गया भाई। हाँ आ गया। मेरा छोटा भाई कालू नहीं आया? ना, वो आने जैसे रहे ही नहीं है। अच्छा हुआ तू आ गया, मुझे चिंता थी कि इस सुप्रसंग में मेरा क्या होगा। अरे मेरी बहन की शादी हो और आपको अपने बेटे की कमी महसूस हो, ऐसा तो होने नहीं दूंगा। शादी कराऊंगा मैं और अपनी अकल से दुल्हन को ससुराल पहुंचा दूंगा मैं। मेरा बाप नीच है, मैं तो नीच नहीं हूँ ना, मैं तो खाली नीच के खानदान से हूँ। गौर महाराज आपके सारे बर्तन आ गए हैं ना, अभी एक भी सामग्री बाकी नहीं है ना। अरे आओ आओ पेथा भाई, रमणी भाई आओ 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 भगा बापा। अरे बारात आ गई, बारात आ गई। टीका लगाओ आज दूल्हा।
भाई आप, मेरी इकलौती बेटी शादी करके ससुराल जा रही है, उसका चाचा बनकर उसको आशीर्वाद देने के बदले उसकी बारात रोक रहे हो। तुमको बेटा नहीं है इसलिए इस मिलकत पे मेरा भी अधिकार है। अधिकार तो भाई मेरे और खेत खलियान पर, मेरी दौलत पर। अरे इन गाड़ियों में तो बारात जा रही है। अरे बेवकूफ, बेटी को दिए हुए दान पर तेरी बुरी नजर पड़ी। अरे कल उठ के तो तुम तुम्हारी गोरल को गांव और खेत सब उसके नाम पे कर दोगे, और क्या मैं देखता रहूंगा। अरे कालू भाई, मेरी हजार नहीं सिर्फ एक ही बेटी है। अरे इसकी आंख में से एक भी आंसू गिरा तो अपना वंश खत्म हो जाएगा। कालू भाई मुझे कुछ बात नहीं सुननी है, ले लो अपनी गाड़ी पीछे, सब बाजू से हट जाओ, नहीं तो आज मुझे कलम की जगह तलवार पकड़नी पड़ेगी। बेटा बड़ों की बात में तुझे बीच में आने की क्या जरूरत है। अरे बेकार में मर जाओगे बापू, कोट निकलेगा काला, ये लड़की को रुलाओगे ना तो छोड़ेगा नहीं द्वारका वाला। अरे द्वारका वाली के कहता हूँ दूर हट, वरना तेरा सर कलम कर दूंगा। अरे कलम किया कलम किया, अरे मेरा सर कोई खेत पे लगा अनाज थोड़ी ना जो काट लेगा। अरे आगे बढ़ा दो डोली, देखता हूँ कौन रोकता है। सांगा। अबे सांगा नहीं, महावीर सांगा जी कहो, सांगा कहते हैं शान में समझो, वरना तलवारें निकलेगी। अबे तलवार वाली के बोल देता हूँ कि दूर हट। कालू भा, अभी भी कह रहा हूँ कि बारात को जाने दो, नहीं तो बड़े भाई के हाथ से आज छोटे भाई का सर कलम हो जाएगा। अरे मान इज्जत के सामने राजपूत के सर की कोई कीमत नहीं होती। कालू भाई, अरे काट डालो बड़े बापू, काट डालो, ऐसा मौका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। बापू आपस के परिवार के खून के छींटे लेकर गोरल ससुराल नहीं जाएगी। मेरा सगा भाई नहीं है इसीलिए दहेज की बैलगाड़ियाँ रोकी जा रही है ना। बेटी गोरल गाड़ी में बैठ जा, जाने का मुहूर्त खत्म हो जाएगा बेटी। हाँ बहन जा। ना बापू, मैं अब गाड़ी में नहीं बैठूंगी। सुनो काका, अब गोरल दहेज लेकर ससुराल तभी जाएगी जब तक बापू की घर की दहलीज पे किकियारी लेने वाला वारस पैदा नहीं होता। बेटी गोरल, सुनिए, मैं अगर आस्था हो तो मेरा इंतजार करना, वरना खुशी से किसी और के साथ घर बसा लेना। गोरल, जिंदगी में एक का ही हाथ थमा जाता है, तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए तो मुझे संदेश भेज देना, अमर तुझे लेने आएगा। अभी मैं कहती हूँ बापू, गाड़ी पीछे लो। ना बेटी ना, ये शक्य नहीं है। गाड़ियों को वापस लो बापू, वरना मैं यहीं पे जान दे दूंगी। अरे भगवान, गाड़ियां वापस लो। चलो बापू। बेटी, अरे काटे तुझे काला नाग,
ये शादी में विघ्न डाला, ये सांगा कहते हैं सुनो बापा, आज से तुम्हारा नाम रावण रखा। हट, तू नीच इंसान। अरे गौर बापू, मेरे अमर किस बारात तो चौराहे तक आ गई है, पर अभी तक क्यों नहीं आई? जा जाके देख ले जरा। अभी जा रहा हूँ काकी। अरे ये रत्ना कहाँ गया? ए रत्ना, इधर आ जा, वो ढोलक वाले के पास जा, शहनाई वाले के पास जा, वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? अरे सब जगह पर ना आसोपालों का तोरण बांध देना, समझे ना, मैं अकेली कहाँ कहाँ करूँ? तू जा जल्दी जा। काकी, अरे लड़कियों, तुम लोग क्यों चुपचाप खड़े हो? गाने के लिए आए हो? जल्दी गाओ गाओ। माणिक बहू कहाँ गई? ए माणिक, तू जल्दी से अंदर जा और तैयारी कर, बहू आती ही होगी। और थाली में ना थोड़े से मोती भी रख देना, आज मैं अमर क्या मोतियों से स्वागत करूंगी, मोतियों से स्वागत करूंगी। तू जा जल्दी जा। अमर बेटा आ गया। बेटा, अमर बेटा तू अकेला आया, मेरी बहू कहाँ है? बहू रानी ने तो कसम खाई है माँ, और तू तो जानती हो माँ, राजपुताने की प्रतिज्ञा जीने भरने का खेल है। प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? जब तक उसके बाप के घर में उसका कुल दीपक न जन्मे, तब तक वो अपने घर में पांव नहीं रखेगी माँ। और ये बात तुमने मान ली? हाँ माँ, जिसके साथ मैंने जीने मरने की कसमें खाई माँ, उसकी प्रतिज्ञा मैं न पालूं तो मैं राजपूत नहीं। तुमने अपने पत्नी के खातिर अपने माँ के अरमानों की चेता अपने खुद के हाथों से जला दी। मेरी बहू चौराहे से पीछे चली गई। अरे एक बार उसे दहली से अंदर तो ले आता। अरे अमर, अमर अगर एक बार आकर वो मेरे घर में पानी भर देती तो मेरे घर की कम से कम इज्जत तो बच जाती। अमर, अमर तुमने अपने माँ के दूध को झूठा साबित किया, झूठा साबित किया। माँ, वो तो समय आने पर पता चलेगा। अरे ए सुंदरी की माँ, अरे मेरी होने वाली सासू जी, अरे मेरे दुख की कहानी तो सुनो। क्या है? अरे ये मैं कब आपकी बेटी को लेने आऊँ और गाना गाते गाते कब यहाँ से लेके चला जाऊँ? अब तुम्हारे प्यारी सी कविता को पन्ने पे उतार के हाथ में तलवार लेके राजा के यहाँ चाकरी करो, तभी मेरी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगी। बाकी तुम्हारे इस कलम से जंगल की शेरनी या शहर की लोमड़ी भी तुमसे शादी नहीं करेगी। ओहो, शहर की लोमड़ी और जंगल की शेरनी, वाह वाह क्या कविता लिखी है। अरे सुंदरी देखो सासू जी, आप अगर शादी के लिए हाँ कहते हो तो शहर की लोमड़ी और जंगल की शेरनी से भी अच्छी सुंदर पकड़ के लाओ। अभी तुम मेरी बेटी को छोड़कर किसी से भी शादी कर लो, वैसे शादी की मुझे कोई जल्दी नहीं। बस तो अभी रखना तैयारी, शहर की लोमड़ी, जंगल की शेरनी। अरे वहाँ कहाँ चले, मेरा चनिया तो देके जा। ये चनिया तो मैं उस दिन आपको लाके दूंगा जिस दिन मैं अपनी दुल्हन को आपके सामने लाके दूंगा। शहर की लोमड़ी, जंगल की शेरनी, जंगल की बंदरिया। पागल कहीं का, मेरा चनिया ही लेके गया। माँ अब क्या होगा? होगा क्या, धुले चावल की तरह लौट कर आएगा, आके फिर से मेरा हाथ पकड़ेगा। कैसी कठिन आई ये विपदा, किसने रचाया खेल ये, भगवान तेरी क्या है मर्जी, क्या होगा संसार में, कैसी दुविधा है प्रभु। वृद्धावस्था में क्या ये दूध कुछ कर पाएगा, क्या शक्ति दे पाएगा ये जो जवानों में रहता है, जो जवानों में रहता है, कैसी दुविधा है ये प्रभु जी, कैसी दुविधा है प्रभु जी, कोई बताए कैसे बताए कहानी। लो बापू पी लो दूध। अरे बेटी, इस खोखले शरीर को ये दूध पीने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है बापू, पुराने खंडेर में उम्मीद का दिया एक दिन जरूर जलेगा। लो बाबू। ना बेटी ना, इतना दूध नहीं पियोगे तो आपको मेरी कसम। अरे बेटी, बेटा ही देना होता तो भगवान ने पहले नहीं दिया होता। अरे पागल,
इस फालतू सपने की झूठी आशा में तू अपने संसार में वियोग क्यों पैदा कर रही है मेरी बेटी? सपना सपना तो माँ दुर्गा पूरा करेगी। चलो अब दूध पी लीजिए। रहने दे बेटी, रहने दे। मैं तो शमशान की सूखी लकड़ी हूँ, इसमें हरे कुपल नहीं आ सकते बेटी। बापू। हाँ, तेरे माथे से अभी तक गजरे की महक नहीं गई। अरे तूने अभी तक अपने घर की दहलीज नहीं देखी। अरे तेरे बाप के घर पे दिया जलाने की झूठी आस लेकर बेटी तू अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही है? अरे कहीं ऐसा ना हो जाए कि अमर तुझसे रिश्ता हमेशा के। नहीं बापू नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। जिसके नाम की चुनरी ओढ़ी है मैंने, उसकी धड़कन को जानती हूँ मैं। अरे बेटी ये जिद तू छोड़ दे, तू कहे तो मैं तेरे अमर को संदेशा भिजवाऊं। उनकी चौखट पर पैर मैं तब रखूंगी जब इस घर के वारिस का, मेरे भाई का चेहरा देखूंगी तब। वाह कुमार संग, अभी काफी दिन हो गए दिख नहीं रहे थे। अरे भाई दो तीन दिन से गांव गया था, आज ही आया हूँ। घर में शादी के लायक बेटी है पर कोई सही लड़का नहीं मिल रहा। अरे दूल्हा तो मेरी जेब में पड़ा है, भले आदमी बोलते क्यों नहीं हो। कौन सा गांव, क्या नाम है? गांव गुलालगढ़ और नाम अमर। जीवा भाई देखते रहे और हम शादी करवा देते जान बाकी अमर के साथ। कालू भाई इसमें कोई छल कपट तो नहीं है ना? क्योंकि जीवा भाई जैसा भी है तेरा भाई है। भाई था मेरा पर अब तो वो मेरा दुश्मन है। दुश्मन तो कालू भाई, इस जीव सिंह की दुश्मनी में ब्याज के सहित लूंगा। मैं कल ही जाता हूँ गुलालगढ़, मैं अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता लेकर। जान भाई की शादी अमर से हो जाए, उस दिन शादी में मुझे पगड़ी जरूर पहनाना। अमर का घर यही है क्या? हाँ भाई आइए ना, यही है अमर का घर। अमर भाई घर पे है? नहीं भाई वो तो खेत पर गया है। आप कौन? मैं सुजानगढ़ से आ रहा हूँ। सुजानगढ़ से? हाँ। जीवा भाई का सुजानगढ़ कि जिसकी बेटी ने हमारे घर की इज्जत को चौराहे पर उछाल दिया, हमारी नाक काट दी। तो ये जीव सिंह का नाक तुम्हारे हाथ से कटे, ऐसा मैं प्रस्ताव लाया हूँ। कैसे? आप बैठिए ना भाई, आराम से बैठ के बात कीजिए ना। बोलिए भाई। तुम्हारे अमर के साथ मैं अपनी बेटी के शादी का प्रस्ताव लाया हूँ। तब तो भाई बढ़िया होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। तो इसी गांव में मेरा बेटा घोड़े पर चढ़कर शादी में जाएगा। हाँ जीव सिंह और गोरल देखते रह जाएंगे। मैं अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज देकर भेजूंगा, पूरा गांव देखता रह जाएगा। तो फिर ये रिश्ता पक्का? 100% पक्का। भिजवाओ सगाई का संदेश तो मैं शादी के ढोल बजवाऊं। सुनो सासू जी सुनो, लाया हूँ खुश खबर, उतारो आरती मेरी, लाया हूँ खबर ऐसी। सासू जी, अरे ओ सासू जी। क्या बात है सांगा, लंका जीत कर आए हो जो इतना शोर मचा रहे हो? अरे इधर का गढ़ जीत के आया हूँ, वो है नार पदमणी, उसको लाया हूँ विधिवत शादी करके। वो नहीं है कोई शहर की लोमड़ी और जंगल की शेरनी, पर है उससे श्रेष्ठ प्राणी। ये है कौन? उसके शरीर में से दूध निकलता है, है? उसके दो बच्चे उसका दूध पीते हैं। हाँ। इसका मतलब तो दो बच्चे वाली माँ से शादी करने वाला है। कवि होने के बावजूद जो नहीं करना वही करता है। ए पागल कही के बताओ तो जरा वो है कौन? आप आरती करने के लिए खड़े हो जाओ तो दिखाता हूँ। ओ भगा भरवार, अपनी बीवी को आई, मेरी बीवी को अंदर लेके आओ। देख लो ये जानदार लड़की, अब करनी हो तो कर दो सजा, पर मेरे मन तो है मजा। ए ये तुम्हारे साथ बात कैसे करेगी? मेरे बच्चे इसके साथ संसार कैसे करोगे? शरीर के साथ कोई लगाव नहीं होता प्रेमी को, संगीत के चाहने वाले होते हैं, इसके कान बड़े हैं, जगत में नाम बड़े हैं, और ये बकरी है सारे अरमान पूरा करती है। ए, बकरी को कोई बीवी कहता है? पागल हो गया है। अलग पैदा हुआ हूँ जगत से, कुछ नया करूँगा। नारी से तो करते हर कोई शादी, मैं बकरी को अपनी बीवी बनाऊंगा। अरे लो वापस, अरे मर जाना ऐसे मत, नहीं तो मेरी रह जाएगी कविता अधूरी। ये सांगा की बात सच्ची, देख तू मर गई तो मेरी शादी रह जाएगी अधूरी। माजी
मेरे भाई के लिए लोरी गाने की उम्मीद पूरी करना माँ दुर्गा। अरे बेटी गोरल, अब ये पागलपन तू छोड़ दे। पागलपन को तो मैंने अपने गले से लगाया है। होशियार तो मैं उस दिन होंगी जिस दिन इस घर में भाई का पल ना बंधेगा। आइए आइए। आज तो अच्छे शगुन लेकर आया हूँ। अच्छा तो मैं भी एक बात कहूँगी, मैंने मेरे बेटे की दूसरी शादी तय की। अरे आपका बेटा है, अरे एक बार क्या 18 बार शादी करवाओ, लेकिन मेरा पैसा वापस कर दो बस। उसके बाद तुम जितना चाहे ढोल बजवाओ शादी का। सेठ सेठ, आपकी मदद के बगैर मेरे अमर के शादी के ढोल कैसे बजेंगे? देखो जमुना माँ, साल साल भर से तुम्हारे ऊपर ब्याज चढ़ते जा रहा है जमुना माँ। अरे मुद्दल तो बाकी है पर ब्याज तो दो। धीरज रखिए सेठ, जितनी जल्दी होगा चुका दूंगी। अरे रोज रोज का नाटक ये सब नहीं चलेगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा ब्याज चाहिए। हाँ पैसे लेने हो तब पांव छूते हो और जब देना पड़ता है तब मुंह बिगाड़ते हो। देखो जमुना माँ, मैं कह देता हूँ, मेरा पैसा अगर नहीं लौटाया ना तो जब ये अमर की बारात जाती होगी ना तो मैं बीच में खड़ा रहूंगा ये हिसाब लेकर। फिर मुझे कहना मत कि मेरे घर का प्रसंग बिगाड़ दिया। नहीं, नहीं, हाँ। सेठ, सेठ, सेठ। अरे अरे अरे, आग तो बुझाओ, देखो दूध उबल गया। उबलते दूध को तो फिर से ठंडा कर सकते हैं, मगर मेरे इस दिल में जो आग लगी है उस आग की जलन को मैं किसको दिखाऊं? तुम्हारी आंखों में आज मैंने पहली बार आंसू देखे गोरल। ये आंसू नहीं, आग है मेरी बहना, आग। गांव से गांव देख लिया मगर कहीं ऐसी कन्या नहीं मिली जो मेरे बापू का सहारा बन सके। बस इतनी छोटी बात? ये बात छोटी नहीं, मेरी जिंदगी से भी बड़ी है। तुम्हारे बापू से शादी करने के लिए किसी ने हाँ नहीं कही? किसी भी राजपूतानी का दिल नहीं मचला? मैं तो हिम्मत हार गई हूँ। मेरी एक आंख में मेरे बापू के घर का वारिस का सपना समाया है और दूसरी आंख में समाया है मेरी मांग का सिंदूर। मैंने मेरी प्रतिज्ञा की खाते मैंने मेरे पति के दिल में आग लगाई है। माँ जगदम्बा ये आग बुझा देगी, आंसू मत बहाओ गोरल। धरती बांझ नहीं है, उसकी कोख से एक तो राजपूतानी ऐसी जन्मी होगी जो तुम्हारे बापू के नाम का सिंदूर लगाएगी। पर कहाँ होगी, कहाँ जाकर ढूंढूं? कुछ तो बताओ। मैं बताती हूँ। तो मैं उसके लिए अपनी जिंदगी न्योछावर कर दूं। बता बहन बता, कहाँ है वो लड़की? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ को देखे बिना ही मेरी जान निकल जाए। ना गोरल, मुझे वचन दो कि तुम मेरी बात मानोगी। मेरा वचन है बहना, मैं तेरी बात नहीं टालूंगी। मैं उसे अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करूंगी। बिना माँ के उसको पालोगी? माँ दुर्गे की कसम। वचन देकर बदल तो नहीं जाओगी ना? दुहाई है मुझे माँ दुर्गे की। सोच समझ कर वचन देना, उसे माँ बुलाते हुए तुम्हारी रूह तो नहीं कांपेगी ना? मेरी परीक्षा ले रही है बहना। तो आज से जान बाई शहर के बदले तुम मुझे माँ कहोगी। बहना तू? जान बहन नहीं, तुम्हारी माँ। उस दिन का तुम्हारा कर्जा चुकाने का आज मौका मिला है। उस दिन तुमने मेरी इज्जत बचाई थी, आज मैं तुम्हारा कुल बचाने आई हूँ। अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं मानता हो तो चलो माँ दुर्गा की ज्योत को देख कर आते हैं। चलो देखो माँ दुर्गा की ज्योत साथ दे रही है। माँ दुर्गा तेरी आशा जरूर पूरी करेगी। बेटी गोरल। बापू बापू, ये देखो मेरी माँ। कौन है? अरे ये तो देखो धनी, मुझे जान भाई नहीं बुलाना, नहीं तो मेरी जान जलेगी। मैं तुम्हारे घर की घरवाली ठाकुर, तुम्हारी ठकुराइन। अरे, अरे पर मेरी उम्र की तरफ तो देखो। राजपूतानी जब भी अपने बोल बोलती है तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। माँ दुर्गा के दर्शन लेके मेरा हाथ थाम लो, मुझे भरोसा है कि आपके घर में पुत्र अवश्य पैदा होगा। अरे पर आप तो गोरल की सहेली हो। सहेली थी वो तो एक सपना था, वो रात तो बीत गई। हमारे संसार में एक नए सूरज ने जन्म लिया है। आओ माँ दुर्गा के सामने मुझे नया चूड़ा पहनाओ। ओके। हाँ बापू,
जय माता जी। इस जन्म में कुवारी रहकर सांगा की माती, तू क्यों कुएं में गिर रही है? सांगा, मुझे मरने दो, मेरी माँ दूसरी जगह शादी करवा रही है। किसकी माँ ने जन्म देते समय सवा शेर मिर्ची खाई है? नहीं नहीं, सवा शेर सूट खाई है कि ये सांगा की बीवी का हाथ पकड़े, ये कलम के एक ही वार से उसको मजा ना चखा दूं। सांगा, तुम्हारे इस कलम से कुछ नहीं होगा। हाथ में तलवार ले तो तुम्हारे और मेरे संसार का कुछ होगा, नहीं तो कुएं में कूद जाती हूं। ये कुएं में गिर के जान देने को तेरा दिल कर रहा है, पर ये कलम छोड़ के तलवार पकड़ने को मेरा दिल नहीं कर रहा है। तो फिर अरे रुक जा रुक जा, अरे रुक जा रुक जा। अरे पागल, तुझे पता है ये एक कलम करोड़ों तलवार जैसी है? तो तू करोड़ों तलवारें पकड़, पर कलम छोड़ दो, नहीं तो मैं जान देती हूँ। रुक जा रुक जा, थोड़ा सोच विचार तो करने दे। ये बचपन से पकड़ी हुई कलम को छोड़ने का मन नहीं करता है, कलेजा कांप जाता है, मन घबरा जाता है। तो फिर कूद जा। अरे रुक जा रुक जा, अरे तू कुएं में मत गिरना, मैं ही खड्डे में गिरता हूँ। ये कलम छोड़ रहा हूँ लेकिन एक शर्त है। ऐसी कौन सी शर्त है? ये कलम छोड़ के मैं बहुत सारी तलवारें पकड़ूंगा। गाड़ी भरेगी ना इतनी बनाना, तुम्हें उठानी है, इसमें मेरे बाप का क्या जाता है? बस तो आज से कलम दी है छोड़, मैंने तलवार पकड़ लूंगा हाथ में, खींच के ले जाऊंगा तुझे मैं अपने साथ अपनी दुनिया में। गोरल बेटी, क्या सोच रही हो? नहीं तो क्या? नहीं बेटी के मन के बातें मुझसे अनजान नहीं रहेगी। हाँ, ससुराल याद आ रहा है ना? गोरल बेटी, अभी तुम्हें लंबे समय तक उदास नहीं रहना पड़ेगा। मतलब मैंने माताजी से मन्नत मांगी थी ना कि माँ मेरी झोली खाली ना रहे, माताजी ने आशीर्वाद दिया है, मेरी गोद भरी है। क्या कहा? हाँ गोरल बेटी, मैं ना हाँ। देखी मेरी चाल? देखो, इसने शादी की फिर भी ये कुंवारा बनकर यहाँ आ गया। ए जीवान। हाँ बापू। अगर मेरी बीवी शादी करके वापस चली जाए ना, तो मैं तो उसका उसी दिन सर कलम कर दूँ। हाँ सही बात। और एक बात कहूँ? हाँ बापू। अब ये गोरल के बूढ़े बाप को कहां से और कैसे बेटा पैदा होगा और कब इसका घर बसेगा? भैंस जब पूंछ ऊपर उठाएगी तो गोबर ही करेगी। वाह बापू वाह, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। जय माँ दुर्गे। बापू बापू। बापू जल्दी से पूरे गांव में लड्डू बांटो, मेरे ससुराल में जाके संदेशा पहुंचाओ, हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है। बेटी? हाँ बापू हाँ। अरे हे भवानी माँ, तेरी दया अपरंपार है माँ। Thank you.
पिटी गोरल, दहेज में कुछ कमी तो नहीं रह गई ना? असली घी के पेड़े होते तो वो भी मैं तुम्हें दहेज में बांध कर देती। बापू, आज तो दहेज में सोना चांदी के अलावा सजावट की सारी चीजें मैं लेके जाऊंगी। आज पूरा गांव देखेगा गोरल दहेज लेके मैका छोड़कर ससुराल जा रही है। बेटी, ये शुभ दिन देखने के लिए तो मैंने अपना संसार बसाया। अरे करसन भाई, मधु भाई, बारात के लिए तैयार हो जाओ। दुल्हन चली ससुराल, देखो आज गाड़ा में दहेज के साथ। मेरी लाडली चली है, देखो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके। जगदम्बा मैया जय हो जय हो। मेरी लाडली बिटिया चली, मेरी लाडली बिटिया चली ससुराल। मात पिता का सम्मान पूर्ण करके चली ससुराल। बिटिया देखो चली ससुराल, देखो देखो चली ससुराल। आज मैं बोल रही हूँ कि गाड़ी रोको। काका, आज आंख उठा के देखिए, शादी के दिन तो उस दिन तो मुश्किल से 5 या 7 ही गाड़ी थी। आज तो गाड़ियों का पूरा कारवा लेके जा रही हूँ। ताने मत मार लड़की, ताने मत मार। ये डोली को देखता हूँ तो मेरे तन बदन में आग लगती है। देखो काका, ये मेरा भाई गांव की सीमा तक मुझे छोड़ने आ रहा है। अब देखता हूँ तेरे उस भाई को। कालू भाई, आज तो प्रेम से अपनी बेटी को आशीर्वाद दे दे, कुछ तो शर्म कर भागे। बापू, ए बड़े बापू, कौवा कभी हंस की चाल चला है कि ये चले? शेर के सामने खड़े नहीं रह सकते और बड़ी बड़ी बातें करते। ये संगा कभी सच्ची बोलता, ये कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता। बेटा कहूँ या बेटी, कोई समझ में नहीं आ रहा। जा बेटी, ससुराल में उजाला करो। गोरल, मैं तुम्हें एक सीख देती हूँ। जैसे तुम मायके में रही, वैसे ही तुम ससुराल में भी रहना। लो, ये तलवार मुड़ गई टेढ़ी और उतर गई मूछ का पानी। ये सांगा कभी सच्ची बोलता कि पानी में बह गई सारी कहानी। पच्चीस और दस पैंतीस, पैंतीस और पाँच चालीस। आत्मचंद सेठ, हिसाब में से सर उठाओ और किसी को आने के लिए तो कहो। आई आई विक्रम सिंह, आप मेरे घर पे कैसे? अमृत की शादी के लिए पैसे किसने दिए थे? तुमने? उसकी माँ आई थी पैसे लेने, और आप तो जानते हैं, और मेरा ब्याज का धंधा एक के डबल होते हो तो दुश्मन को भी हम पैसे उधार दे देते हैं। मतलब विक्रम सिंह के दुश्मन को तुमने पैसे देकर शादी करवाई? तुम्हें जिंदा तो रहना है ना सेठ। अरे ये क्या कह रहे हैं, अरे आपकी वजह से ही तो हम यहाँ पे कमा कर खा रहे हैं। तो कमाने की रीत थोड़ी सी हमसे भी सीखते जाओ। अरे आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। तो जाओ अमर के घर पे पैसा लेने और करो उसकी वसूली। अमर और गोरल की शादी की पहली रात की रंगत बिगाड़ डालो। गोरल, ये सुंदर बिस्तर न जाने कितने वक्त से तुम्हारी राह देख रहा है। आओ इंतजार खत्म करें। अरे खुशी की मारे मैं आपसे माफी मांगना तो भूल ही गई। माफी? किस बात की माफी? शादी के पहले ही दिन मैं मैके रह गई इसलिए। उस बात पर मुझे फक्र है गोरल। आओ रात थोड़ी ही बाकी है। जमुना, ए जमुना माँ। हाँ? अरे सेठ जी, आप इस वक्त ऐसे अचानक आना हुआ? आना पड़ता है जमुना माँ, आना पड़ता है। वसूली तो आधी रात को ही होती है। मैं तो नहीं आ रहा था, पर ये खाता जल्दी कर रहा था। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ उत्तमचंद सेठ, सिर्फ आज की रात रुक जाओ। आज ही तो मेरे घर की बहू आकर घर का दिया जलाई है। सेठ जी, कम से कम सुबह तो होने दो सेठ, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगी सेठ। जमुना माँ, तुम्हारे आंगन में खजाना गड़ा हुआ है क्या?
तो चलो मैं भी खुदवाता हूँ। ए अमर भाई, बाहर तो आ, पत्नी के रूप में पागल बाद में होना, पहले कर्जा लौटाओ मेरा। ऐसे देखता क्या है, इधर आ। माँ, क्या बात है माँ, सेठ किसकी वसूली के लिए आए हैं? माँ देख ले, हिसाब तो पता चल जाएगा कि किसकी वसूली करने आया हूँ। माँ तू तो कुछ बोल। बेटा, हमारे घर के इज्जत के खातिर तुम्हारी बीवी के गहनों के बदले मैंने तुम्हारी शादी के लिए कर्जा लिया था बेटा। और तूने मुझे ये सब बताया भी नहीं? जमना माँ, बेटे से कह दो लाओ मेरे गहने, लाओ और कर्जा चुकाओ। सेठ, तुम्हारा कर्जा तो आज नहीं तो कल मैं चुका दूंगा, पर एक बात याद रह जाएगी कि आप वसूली के लिए मेरे घर पे आधी रात को आए थे। आप रुकी, अगर इतनी ही फिक्र हो तो घर में से घरवाली के गहने लेकर आओ। सेठ, आप हिसाब कीजिए, मैं आपका कर्जा चुका दूंगी। गोरल गोरल बेटी। माँ, इस चौखट की इज्जत की मैंने चुनरी ओढ़ी है। पर गोरल, ये गहने तो तेरे मायके के हैं। तेरे गहने बेचकर अगर मैं अपना कर्जा चुकाऊं तो मुझे गोरल। मायके की चौखट को जैसे ही लांगा तब से ये गोरल तुम्हारी, अब से इस घर का सुख दुख सब मेरे भी। अब ये किसके लिए रखा है? वाह, इसका नाम पत्नी। लो ठीक है अमर भाई, कोई भी काम होगा तो कहना, परेशान मत होना। हाँ, जय श्री कृष्ण जमुना माँ। गोरल, विधाता ने अपने भाग्य में अभी भी वियोग के योग लिखे हैं। अलग, मेरे से कोई गलती हुई क्या? अब मैं आपसे अलग बिल्कुल नहीं हो सकती। तेरी प्रतिज्ञा के लिए मैंने भी वियोग सहा है, अब मेरी प्रतिज्ञा के लिए तुम्हें वियोग सहना होगा। प्रतिज्ञा? कौन सी प्रतिज्ञा? जब तक तुम्हारे शरीर पे अपने मायके के गहने थे, उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें गहने ना पहनाऊं, तब तक मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारा घूंघट नहीं उठाऊंगा। मुझे कसम है जोग माया की। नहीं, माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं सफल होके लौटूं। अच्छे से जाओ बेटा, मेरे लाल माता तुम्हारी रक्षा करे। लौट के जल्दी आना। हाँ बेटा, हम तुम्हारी राह देखेंगे। कहाँ यार है
कहाँ जा रही हो बेटी? मैं खेत में जा रही हूँ माँ। पर शाम को जल्दी घर आना है बेटी। मेरी चिंता बिल्कुल मत करना माँ। पर तुम्हें अकेले भेजने में मेरा दिल नहीं लगता बेटा, तुम ऐसे अकेले खेत में जाओ। हमारे तो राम ही रखवाले है, और फिर भी कोई हमारा रास्ता कटे तो मेरे हाथ में ये हथियार है। मैं जाती हूँ माँ। जाओ बेटी। अरे रे, कैसा वक्त आया है। मायके में घर से बाहर पैर नहीं रखने वाली आ ससुराल में आकर घर का पूरा काम काज कर रही है। हे भगवान, रक्षा करना। आओ अमर की महारानी, अगर मेरे साथ शादी की होती तो महलों पे राज करती। विक्रम सिंह, मुझे लगता है तेरी माँ ने जब तुझे पैदा किया तब वो अपना दूध पिलाना तुझे भूल गई थी। गोरल, आदमी जिस लड़की के हाथ का मार खाता है पूरी जिंदगी वो अपनी शक्ल नहीं दिखाता है। तू तो पूरा बेशरम है, बेशरम। चल निकल यहाँ से। अरे आज तो इस खेत में मैं तेरे साथ खेल खेलूंगा, तेरे सुंदर काया के रूप का मजा चखूंगा। अरे तेरे गोरे गोरे गाल पे मुझे डंक देना है, डंक। चला जा, वरना इस हथियार से तेरा नाक काट दूंगी मैं। आजा, आजा, आजा। दूर हट, दूर है मुझसे। मैं कहती हूँ दूर है मुझसे। आज मेरे दिल को ठंडक मिली गोरल, तू मेरी ना हुई तो जगत में तुझे और किसी को होने भी नहीं दूंगा। जब जब आए याद दिल घबराए, अरे भाई ये रोज एक ही गाने की कड़ी घड़ी घड़ी गा रहे हो, किसी दिन पूरा गाना सुनाओ तो मजा आ जाए हमें। सुनाऊंगा भाई, जरूर सुनाऊंगा, एक दिन पूरा गीत सुनाऊंगा तुम्हें। कहाँ गई होगी मेरी बहू? शाम होने आई, आरती भी हो गई, फिर भी अभी तक नहीं आई। हे ठाकुर जी, मेरी बहू की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। हरिओम हरिओम। अरे ये तो किसी स्त्री ने आत्महत्या की है। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे लगता है ये तो जिंदा है, चलो इसे आश्रम में ले चलते हैं। चलो हरिओम। काकी,
कौन? गोरल? काकी? अभी गोरल नहीं आई? ये तुम्हारी जवान बहू रात भर कहाँ रुकी होगी? अरे यही तो समस्या है भाई, एक तो बेटा गांव में नहीं और पीछे से ये बहू गायब। काकी बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, आपने बहू के पहले से ही लाड़ किए ना, उसका ये नतीजा। अरे हाँ भाई, काकी आपकी जगह पर मेरी सास होती ना तो मार के मिर्ची भर देती। हाँ ऐसे तो मेरा भी पति कमाने गया है, मैं भी जवान हूँ, पर मेरी सास को पूछे बगैर मैं दहलीज के बाहर कदम नहीं रखती। एक बार उसे घर तो आने दो, उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। हाँ। उसके माथे पर गरम कोयले का दाग न दूँ तो मुझसे मत कहना। काकी अब आप ज्यादा तकलीफ लो ही मत, ये ऐसी चालाक लड़कियों को घूमने फिरने के सिवा आता ही नहीं। आई तो आई, नहीं तो गई अपने बाप के घर पे। काकी अब तो मैं चली। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पर इधर भी तो नहीं है माँ। वही खड़ी रहना, अंदर नहीं आना, तुम्हारे पैरों से तो मेरे घर की इज्जत चली गई। बोल बोल कल किसके साथ मुँह काला किया। सच बोलूंगी तो आप यकीन नहीं करोगे, और झूठ बोलना मुझे आता नहीं है। सच कहने वाली, तुमने तो मेरे घर की इज्जत को लांछन लगा दिया। बोल कहाँ बिताई रात? रात को रुक गई थी साधु के आश्रम में। लो बोलो, इस लड़के को कोई नहीं मिला तो गई थी साधु के आश्रम में। साधु ने तो मेरी इज्जत बढ़ाई। तो फिर तुम्हारी इज्जत लूटी किसने? तुम्हारे माने हुए भाई ने। माँ धरती फट जाए ऐसे शब्द ना बोलिए, भाई तो बहन की इज्जत बचाता है। ये तो था मेरे और आपके बेटे का दुश्मन विक्रम सिंह। हाँ अरे हाँ, तब तो तुम्हारी उससे पुरानी पहचान भी तो होगी ना। तो फिर जा जा जाके रह विक्रम सिंह के पास। माँ मेरे बेटे से तो दूसरी भी लड़की शादी कर लेगी। बर्दाश्त नहीं हो रहे मुझे आपके ये ताने, इससे बेहतर है कि आप मुझे अपने हाथों से जहर पिला दो। जहर पीने की बारी तो अब मेरी आई है, निकल यहाँ से। मेरे दिल की बात मैं अब किसको कहूँ? मेरे दिल का राम तो परदेश में है। पतिदेव मेरी सच्चाई की तो परीक्षा ले जा रही है। गोरल तेरा वियोग अब सहा नहीं जाता। क्यों, घर की याद आई ना भाई? तो भी नौकरी से कहाँ छुटकारा है भाई? इस नौकरी के पैसों से घरवाली के लिए सोना ले जाना है भाई। हरे राम राम राम। अरे बहू, अरे ओ बहू। हाँ माँ। अब शीरा बनने में कितना वक्त लगेगा? नाश्ते में थोड़ी देर लगेगी, तब तक मैं पानी भर के आती। तो फिर सुबह से क्या कर रही थी तुम? हरे राम। बापू आ गया। अच्छा बापू, आज मैं सच कहूँ आप कुछ चिंता में लग रहे हो। ये आप शगुन के बगैर घूमते रहते हो ना, इसके लिए ऐसा होता है। मतलब अब मुझे शगुन देख के निकलना होगा घर से? अरे शगुन तो काय का देखोगे, पर मुझ जैसे को तो पूछो। तेरे जैसे को पूछो? पर ऐसा नहीं बापू। तो आज मैं एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। क्या? वो अपनी गंगा नहीं। अपनी? अरे मेरी। हाँ, नहीं। आगे बोल आगे बोल, और क्या है? उसको वो अमरू के घर पे काम पे लगा दिए। काम में? नहीं समझे ना, नहीं समझे ना, यही दुख है ना तुम्हारे कांटे को हमेशा के लिए निकाल देने के लिए। वो कैसे? नहीं समझे ना, नहीं समझे ना। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। काकी। हाँ। दूध में थोड़ा मिरवन डालना बाकी है। हाँ। थोड़ा छाछ दोगी? अरे तू ही अंदर जाकर लेना बेटा, तू कहाँ पर आई है, जा। हाँ। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अरे हरे। बेटा मिरवन ले लिया ना? हाँ काकी। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। लो माँ। हाँ। नाश्ता कर लो। हाँ, रहने दे, अभी तुलसी को दिया लगा के आती हूँ, बहुत जल्दी लौट के आई।
पहला कुत्ता मेरा दूध पी गया, दूसरा दूध ले आना भी। लो माँ, तेरी माँ मरे अभागनी, तुमने दूध में क्या डाला था देखो। तेरे मायके वाले मरे, तू मुझे दूध में जहर डाल के मारना चाहती थी और फिर रात को तुझे मटकने के लिए। माँ, माँ मुझे बाहर डालो, मगर ऐसी बात मुझसे मत कहो कि दूध में मैंने जहर डाला है। मैंने दूध में जहर नहीं डाला। तो फिर दूध में जहर डालने तेरा बाप आया था? मैं अपने सगे भाई की कसम खा के कहती हूँ कि दूध में मैंने जहर नहीं डाला। तेरी झूठी कसम से तेरे भाई को कुछ हो जाएगा। माँ, मेरे भाई को कुछ कहा तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी। चल निकल, निकल यहाँ से, निकल। नास मुही कही कि तूने तो मेरे घर में आके मेरा घर का सत्यानाश कर दिया। चल निकल, चल निकल मेरे घर से, निकल। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। माँ, मैं किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी, मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। माँ, मुझे घर से मत निकालिए। कदम नहीं रखेगी, मत निकालिए। माँ, मुझे ये काले काम किसके हो? किसने मेरी जिंदगी में मेरे घर में आग लगाई? गंगा। बोल, सच बोल। बोल सच, बोल। हाँ गोरल, हाँ। तो चल, सच और झूठ का फैसला करने चल मेरे साथ। चल माँ, देख ले जिसने जहर मिलाया उसका चेहरा, पहचाना इसे? बोल अब सच, सच सच बोल, बोल, वरना इस चौखट पे अगर तुझे जिंदा नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम भी गोरल नहीं। बोल बोल, दूध में जहर किसने मिलाया था? बोल, बोलती हूँ, जल्दी बोल वरना तेरी जीभ काट दूंगी। दूध में जहर मैंने ही मिलाया था। सुन लिया ना माँ? कलमुही, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू मुझे मारने आई? बोल, किसके कहने पर जहर डाला था दूध में? कहती हूँ, बोल। कहती हूँ, विक्रम सिंह के कहने पर। विक्रम सिंह? गोरल बहन, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटा बच्चा अनाथ हो जाएगा। आज के बाद कभी भी इस चौखट पर आंख उठा के देखा तो नहीं, तो तेरी आंखें फोड़ दूंगी। निकल जा, निकल जा यहाँ से। गोरल, तुम पर आरोप लगाए तो मेरी जबान कट जाए। तुम तो मेरे इस घर की अमृत वेल हो बेटा। मत जाओ, मत जाओ बेटी, अंदर चलो बेटी, अंदर चलो। ओए देख लेना मेरा मंडप, ये पूरा ढाल और तलवार से भर के रखा है। तलवार चोरी करके लेके आया और ढाल और तलवार का पूरा मंडप सजा दिया है और उठा नहीं सकते उतने हथियार लेके शादी करने आया हूँ। अभी जल्दी फेरे ले लेते हैं, चलो। चल कहता हूँ। जय हो, आए मेरी शादी हो गई। अब तो बापू भी कुछ नहीं कर सकता है, अब तो तू और मैं पति पत्नी हो गए, अपने 10-12 बच्चे हो जाएंगे और हम खुशी से रहेंगे। सांगे की माची, ये तो सुरवीर का पलंग, हथियार का गद्दा, इसमें सोते नहीं, इसमें सारी रात जागना ही पड़ता है। ये तुझे और तेरी माँ को कलम की जगह पे हथियार का शौक था ना, इसलिए वो पूरा किया। पर सांगा, आज तो हमारी पहली सुहागरात और ऐसे ही बिताएंगे क्या? पहली रात हो या आखिरी रात, पर बितानी तो ये खड़ी खड़ी पड़ेगी। हाँ, बीच में कोई रात का सोच सकते हैं। सांगा, ऐसे कैसे सोऊंगी? तो आज तलक सांगा फंसा था, अभी माची फंसी। अभी तो देखना सही, अपने यहाँ बच्चे आएंगे ना तो हाँ? वो भी हथियार लेके पैदा होंगे। हथियार? हाँ, किसी के हाथ में तलवार होगी, किसी के हाथ में भाले होंगे, किसी के हाथ में बंदूक होगी। बंदूक? हाँ, और किसी को अगर तान चढ़ गया ना तो वो तो सीधा तोप लेके आ जाएगा। तोप? अमर भाई, अभी गाना तो आपको गाना पड़ेगा। ये रोज गाना आप अधूरा अधूरा गाते हो, आज तो पूरा सुना दो सबको। क्यों नहीं भाई, आज मेरे मन में बहुत खुशी है।
आज मैंने जिंदगी का सागर पार कर दिया है, मेरी हर मनोकामना पूर्ण हो गई है। शुरू करो नानजी भाई। हाँ, शुरू करो, शुरू करो। हे मार कटारी दिल पे हो गया दिल के आर पार रे, हे दिल ये तड़पे जी तेरी याद बहुत सता, यादों में आए तू सपनों में आए तू, मार ही डालेगी मुझको कलेजा निकाल गई, मार ही डालेगी मुझको कलेजा निकाल गई, हे राम कलेजा निकाल गई। जब दिल पे चले छुरियां कैसे जतन करे को, दिल पे न चले कोई जोर, पूछो न कैसे मचाए शोर, कलेजा मचाए शोर, रहम करो मेरे दिल पे ऐसे न चलाओ छुरियां, दिल करे धक धक यादों में आए तू सपनों में आए तू, मार ही डालेगी मुझको कलेजा निकाल गई, मार ही डालेगी मुझको कलेजा निकाल गई। उसकी नैन कटारी उस पे उसके तीखे बाल, रूप उसका ऐसा ले ही लेगा प्राण, खुद को संभालू कैसे मैं बचाऊ क्या करूं मेरे राम रे, हे मेरे कृष्ण मुझे बचा लो, करो कृष्ण कोई चमत्कार, सपनों में आए तू मार ही डालेगी मुझको कलेजा निकाल गई, मार ही डालेगी मुझको कलेजा निकाल गई, आ कलेजा निकाल गई। नजरों के तीखे तीखे बाण जैसे चले कोई छुरी तलवार, घायल हुआ पिंजरे का पंछी हाय मेरे राम, कहता हूँ सुन लो दुनिया वालों किसी से नैन न लगाना रे, चाहे चली जाए जान पर दिल न लगाना रे, सपनों में आए तू मार ही डालेगी मुझको कलेजा निकाल गई, मार ही डालेगी मुझको कलेजा निकाल गई, कलेजा निकाल गई, मार ही डालेगी मुझको कलेजा निकाल गई, कलेजा निकाल गई, मार ही डालेगी मुझको कलेजा निकाल गई, कलेजा निकाल गई, मार ही डालेगी मुझको कलेजा निकाल गई, आ कल
वाले जा निकाल गए। लीजिए ये दवाई पी लीजिए। दवा पी लूं? अब ये शरीर में ज्यादा ताकत नहीं रही। ऐसे क्यों बोलते हो? भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। अभी हमारा बेटा बहुत छोटा है। वो तो भी छोटा है, बहुत छोटा है। अभी शरीर का भरोसा नहीं है, इसलिए अजीत को इस राजगद्दी पे बिठाने के लिए पंडित जी से अच्छा मुहूर्त निकलवा दिया है। इसलिए गोरल को संदेश भिजवाओ कि इस अवसर पर आ जाए। पर किसी के हाथ से संदेशा नहीं भेज सकते। बेटी को बुलाने के लिए मायके वालों को ही जाना पड़ता है। बात तो तुम्हारी सच्ची है, पर आप चिंता मत कीजिए। बेटी के यहाँ मैं जाऊंगी। आप ये दवाई पी लीजिए। बापू आज एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। क्या? जान भाई गोरल को लेने उसके गांव गई है। हम बच्चे को ले जाते हैं उस खंडर में और गोरल आएगी उसको बचाने और उसका कचुंबर बना देंगे। और फिर बापू गोरल आपकी और मुझे मिलेगा इंसाफ। गाड़ी रोको। अरे गाड़ी रोको कह रहा हूँ। ए लड़की नीचे उतर। लड़के इसको जिंदा रखना है तो इसे मुझे सौंप दे। विक्रम सिंह जब तक माँ जिंदा है तब तक उसके बेटे को यमराज भी हाथ नहीं लगा सकता। अरे आज तो यमराज भी इस बच्चे की जान लिए बिना वापस जाएगा पर विक्रम सिंह नहीं। हाँ। कालू बच्चे को ले ले। चल ले। अरे आप ये क्या कर रहे हो? मेरा बेटा। आज मेरा इंसाफ होगा। ये तेरे बच्चे का नाश होगा। नहीं। और गोरल गोरल इस विक्रम सिंह की होगी। लड़के अब तेरा बेटा ऐसे वापस नहीं मिलेगा। उसे लेने के लिए तो गोरल को ही आना पड़ेगा। जाके कह दे गोरल को कि उसे अपना भाई जिंदा चाहिए तो आ जाए काल भैरव के खंडर में। नहीं, नहीं विक्रम सिंह, चल हाँ। मत करना। गोरल, माँ, आप अकेले? विक्रम सिंह तुम्हारे भाई को उठा कर ले गया। क्या? विक्रम सिंह? मगर वो गया किस तरफ? भैरवनाथ के खंडर में। भैरव के खंडर में? वहाँ तुम अकेली जाओगी? हाँ, विक्रम सिंह आज का सूरज गोरल के हाथ से तेरा आखिरी सूरज होगा। आओ गोरल, तुम्हारी राह देख रहा था। विक्रम सिंह अगर तुझे तेरी जिंदगी से प्यार है तो मुझे मेरा भाई मुझे वापस दे दे। जरूर दे दूंगा गोरल, इसमें क्या है।
पर आज की रात तू अगर मेरी अधूरी इच्छा को पूरी करे तो सिंह के मूंछों का बाल, नागिन के सर का मणि और रजपुताइनी की इज्जत तो उसकी जान से भी प्यारा होता है विक्रम सिंह। उसका अर्थ है कि तुझे तेरा भाई प्यारा नहीं है। भाई कितना प्यारा होता है ये बात तुझे नहीं समझ में आएगी विक्रम। तेरे हाथ में किसी ने भाई बोल के तुझे राखी नहीं बांधी है, इसलिए तो इस जबान को बहन करने की आदत नहीं पड़ी गोरल रानी। तू है तेरी माँ के दूध पे। ऊपर देख। भाई भाई आ, आ, छोड़ दो मुझे कमीनो, छोड़ दो मुझे भाई, छोड़ दे मुझे। तेरे भाई का मुंह देखने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी गोरल। विक्रम सिंह मेरे भाई और मेरी इज्जत के बदले में जो चाहे वो मांग ले। मेरे बापू की जमीन, जायदाद, जेवरात, अरे चाहिए तो जान भी मांग ले। एक बार मेरे भाई को मुझे वापस दे दे। मेरी धन दौलत, मेरी जान, सब तेरी जवानी पे कुर्बान है मेरी जान। आज तुझे मारकर तेरे खून से इस धरती की प्यास बुझाऊंगी। आज या तो तेरी या मेरी माँ मेरी लाश पर बैठकर आंसू बहाएगी। रात दुख मनाए या तेरे मेरे मिलन के गीत, तू मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकती। चल चल। विक्रम सिंह आज तो तुझे छट्टी का दूध याद दिला दूंगी। एक बार मुझे छोड़ दे, फिर बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। खींचो और खींचो। ना मर्दो। खींचो। खींच। ना मर्दो। एक बार। बस एक बार मुझे छोड़ दे। आजा, आजा। अरे मान जा। नहीं मानेगी क्यों? छोड़ मैं कहती हूँ। अरे अभी भी मान जा गोरल, अभी भी वक्त है। कायर, आज तू गोरल, अभी भी मुझे तुझसे बहुत वसूली करनी है। अरे कायर, एक बार छोड़ दे मुझे तो तुझे बताऊं कि गोरल के साथ हिसाब कैसे होता है। हिसाब ऐसे होता है गोरल, समझी? आ गोरल, हिसाब कर लेते हैं। नालायक, मेरा नहीं तो कम से कम इस बच्चे का तो सोच। अरे इस बच्चे के बारे में सोच कर ही तो तुझे मैंने यहाँ बुलाया है गोरल रानी। आज मेरा मैं सारा हिसाब ब्याज के साथ वसूल करूँगा, समझी? छोड़ दे गोरल, आओ हिसाब पूरा करते हैं। ये मेरी वसूली। गोरल, अब ये है मेरे ब्याज की वसूली। खूनी पापी, कम से कम भगवान का तो डर रख। गोरल, अगर तेरे भाई की जान बचानी है तो अपनी ये कंचन जैसी काया मुझे सौंप दे। ना, ना। विक्रम सिंह, अगर जान प्यारी है तो वहीं खड़े रहना और कह दे तेरे आदमियों को जो कोई हिला है तो ये बंदूक किसी की सगी नहीं होगी। तू इनसे लड़ और ये तेरी अमानत मेरे पास सलामत है। मेरे हाथ खोल। Thank you.
विक्रम सिंह, आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं रखूंगी। ये विक्रम सिंह को चक्रम सिंह बना देना। अरे नीच की औलाद, मेरा बाप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? चल इसको पकड़ता हूँ। ओ बापरे नहीं, ओ बेटा रे कहो। बाप, आपने तो ऐसे कर्म करके कर्म को भी शर्माने पे मजबूर कर दिया। आज तो मन करता है इस कलम से तुम्हारा सर ही फोड़ दूँ। रहने दे भाई, रहने दे। उठ, आज मैं तेरे खून से मेरे मन की आग बुझाऊंगी। ले। नहीं गोरल, नहीं गोरल, नहीं गोरल, नहीं गोरल, नहीं। लो बड़े बापू, आज तो गोरल बहन ने पूरे गांव का पाप धो डाला। आज तो विक्रम गया। अरे चलो अभी और पाव पड़ो मेरी बहन के, चलो माफी मांगो। हाँ, ये गिरो पाँव में और माफी मांगो अपने कर्मों की। ये जोग माया का अवतार है, इसको आपने समझा नहीं, इसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगो इनसे, ताकि आप इंसान बनो और मैं इंसान का बेटा बनूं। बेटी गोरल, मेरे गुनाहों को माफ कर देना। मैं नफरत की आंधी में बह गया था और अपने ही रिश्ते को भूल गया था। बेटी, दुश्मनी को भूल के प्यार के रास्ते पे चलना, माँ दुर्गे सब ठीक कर देगी। बेटी गोरल, बापू गोरल, गोरल, माता रानी ने अपनी इच्छा पूरी की।